वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज ये छन 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 का राज अब फाश होने वाला है। आज किसी की शादी नहीं है शो पे, आज फिर हैंड माइक चाहिए। बहुत छन छन की आवाज आ रही है। अच्छा भाई, तुम लोग अगर हैंड माइक अब सही है क्या, ये पकड़ लेती हूँ ना, अब क्या करूँ? सही है, अब हैंड माइक कहाँ ढूंढू, आ रही है आवाज? चले जी, पहली दफा आपने मॉर्निंग शो होस्ट को इतने से माइक पे बात करते हुए सुना होगा। जी आज ये जो छन छन की आवाज आपको आ रही है वो इसलिए आ रही है, एक तो ना किसी की शादी है, मगर ईद के बाद बहुत सारी शादियां होती है। क्या बहुत शुक्रिया आपको, बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है मेरी? जी तो मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आज किसी की शादी नहीं है, मगर ईद के बाद इतनी शादियां हैं, इतनी शादियां हैं, खानदान में शादियां हैं, पड़ोसियों में शादियां हैं, दोस्त अहबाब में शादियां हैं। हमें ना इवनिंग मेकअप्स नहीं आते, दिन में तो हम कर लेते हैं हल्का फुल्का, इवनिंग हम बहुत टेढ़े मेढ़े करते हैं, लाल आँखें और पता नहीं क्या क्या लगा के चले जाते हैं। क्यों, क्या ख्याल है आपका, है ना? तो इसीलिए हमने सोचा कि हम यहाँ बुलाते हैं ऐसे एक्सपर्ट को जो कपड़े और मेकअप दोनों में आपको गाइडलाइन दे सकें कि भाई अगर शादी है आपके किसी करीबी रिश्तेदार की, तो आपने उसमें किस तरह की चमक धमक वाले कपड़े पहनने हैं, कैसी साड़ियाँ पहननी है, और उनमें से छन छन आवाज़ तो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि ज़रा लगे तो भाई कि करीबी रिश्तेदार की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, और दोस्त की शादी है, देवर की शादी है, नंद की शादी है। इवनिंग मेकअप्स हम आपको सिखाएंगे लाइव यहाँ, और हसीन खूबसूरत साड़ियाँ, शरारे और क्या कहते हैं पेपलम और पता नहीं क्या क्या आज आपको हम दिखाने वाले हैं। तो इन हसीन जोड़ों के साथ साथ और हसीन मेकअप के साथ साथ आपकी सुबह की इब्तिदा होने वाली है। आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं काशीस के काशिफ और अनम को। बताएंगे ये वो है ना, ये बहन भाइयों का जोड़ा ये बहन भाई का जोड़ा जो है ये जादू जगाता है और प्यारी प्यारी दुल्हनें बना के उनके दिल को दिन को खास स्पेशल बनाता है, है ना? बिल्कुल। वेलकम टू दिस शो और मुबारक हो कि आपकी आपने कपड़ों की रेंज भी निकाल ली। अब शूज रह गए बस ज्वेलरी भी कर रहे हैं हम, ज्वेलरी भी कर रहे हैं। तो आप मतलब आपके पास कोई दुल्हन आए खाली हाथ आए, नो ज्वेलरी, नो कपड़े, नो मेकअप, और वो सब कुछ लेकर हमारे लिए नेता बेसिकली टारगेट जो होता है ब्राइड का, तो ब्राइड के लिए पूरा पैकेज इस तरह से होता है कि हमें पता है कि ब्राइड मेकअप करवा रही है, हम स्पेशलिटी रखते हैं उसमें, स्टाइलिंग में करते हैं, तस्वीरें भी पूरी वहीं पर खींचती हैं। आपने पूरा एम्बियंस देखा होगा, तो उसके रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि 10 साल बाद भी अगर अपना एल्बम उठाकर देखे तो बहुत अच्छा रहे। और इसी तरह से 50% ओवरऑल जो है अगर ब्राइड के आउटफिट पर डिपेंड करता है कि वो खूबसूरत हो, तो इसलिए हमने इसको ड्रेसेस को ज्यादा इसको हाईलाइट किया। अच्छा, सबका मेकअप तो तुम लोग इतना ज्यादा करते हो और अनम ने बिल्कुल ही हल्का सा मेकअप किया, ये क्या बात है भाई? आज सबके मेकअप में बिजी थी ना, जैसे डिजाइनर्स होते हैं ना सारे, नहीं करती मेकअप, ये नहीं करती, डिजाइनर्स वॉक करवाते हैं लड़कियों को, बड़े भरे कपड़े पहना के खुद कैजुअली आते कपड़े पहन के आते, ये क्या, इसमें क्या राज छुपा है? हर वक्त करते रहते हैं ना, तो मेरे ख्याल में इसलिए दिल नहीं करता। बहुत ज्यादा यूज्ड टू हो गए, हर वक्त देख रहे हैं, माशाल्लाह सैलून में इतनी सारी ब्राइड्स हैं, 60-80 ब्राइड्स होती हैं और कंटिन्यूस हम मेकअप कर रहे होते हैं, तो अपना शौक थोड़ा सा साइड हो जाता है। जरा बताओ कि दिन की ब्राइड्स कितनी होती हैं एवरेज? माशाल्लाह दूसरी बात करते हैं। हाँ जी, कपड़ों की रेंज पूरा रिकॉर्ड था उनके पास, पूरा उन्होंने रखा हुआ था, उन्होंने बाद में बताया सारा। आज की खास बात यह है, आपने देखा होगा कि काशी के जो बिलबोर्ड है, मतलब कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं होगी कि वो ना नजर आई हो। मैं इसलिए नजर नहीं आई कि वो मेरे मियाँ की तरफ से इजाजत नहीं है मुझे वो हर बात, वरना मैं भी नजर आती हूँ। मगर कोई ऐसी एक्ट्रेस जो पाकिस्तानी हो या फिर इंडियन एक्ट्रेस हो, सबको हमने मेकअप में तैयार हुए दुल्हने बने हुए काशी पसंद करते हैं मेकअप कंटिन्यूअसली। हमें बहुत दिल्ली से, चेन्नई से, बहुत जगह से आती है, सेमिनार्स की, 3 डेज वर्कशॉप की,
लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की ऐसी कोई जंग आज सुबह सुबह मेरे मोबाइल पे श्वेता तिवारी का मैसेज आया हुआ कि यार तुम लोगों जैसा हेयर कट इंडियन एक्ट्रेस तुम जैसा हेयर कट कोई नहीं कर सकता या तुम लोग इंडिया आ जाओ या मैं पाकिस्तान आ जाती हूँ। आप श्वेता का प्रोफाइल देखेंगे सिर्फ फर्स्ट टाइम हेयर कट मैंने किया उसका, अभी किसी ने नहीं किया उसका। जबरदस्त पारुल चौहान जो बहुत डार्क किए रागिनी जी जी, तो उसको भी चेंज अगर आप गूगल पे सर्च करें फेमस अच्छा अच्छा अच्छा, उसको अगर आप लुक्स देखें उसके पूरा गूगल पे सर्च कर लें सिर्फ उसमें जितनी ट्रांसफॉर्म है वो कभी भी नहीं। तस्वीरें दिखाओ ना हमें, हम ताकि लोगों को बताएं। अच्छा ये एक खास बात आज के शो की क्या है कि देखे ना जैसे मॉडल्स आती हैं उनको आप कभी जानते भी हैं कभी नहीं जानते, लेकिन यहाँ अभी जिस मॉडल को हम बुलाने वाले हैं वो उसको हम प्यार से डॉली कहते हैं क्योंकि वो जो डॉली है ना वो बड़ी पटाखा है, बहुत खूबसूरत है, उस पर हर तरह का मेकअप भी अच्छा लगता है और सबसे ख़ास बात यह है उसकी कि वो मेकअप के बगैर भी बहुत खूबसूरत है, चटपट है, बातें भी मस्ती भरी करती है, मगर यहाँ हम उसको चुप करके बिठाने वाले हैं क्योंकि उसके मुँह पर मेकअप होगा। आइए वेलकम करते हैं एक और छन छनाती हुई हमारी एक्ट्रेस डॉली नताशा। थ्री डी हेयर ये एक जरा इस तरफ मुड़ो, ये क्या है मुझे बताओ जरा, कोई नई टेक्निक है ये? हाँ, ये एक नया फैशन बताओ तो सही ना हमें। ये 3D हेयर है और ये 3D हेयर है, ये मैं लाहौर से लगवा के आई हूँ। मैं जगह का नाम नहीं बता सकती क्योंकि मैंने पैसे भरे हैं तो या तो फ्री में किया हुआ होता तो मैं मार्केटिंग करती अच्छी लगती। जगह का नाम नहीं बताओ हमारे सबके पास गड़बड़ है, जगह का नाम नहीं बताओ लेकिन ये बताओ होता कैसे है ये बालों में एक एक रख के बोलो ना। हाँ यूँ रख के बोलते हैं। अच्छा मतलब ये भी यहाँ से शुरू करना पड़ेगा शुरू करना। ये बालों में जुड़ जाता है। अच्छा एक्सटेंशन की तरह मतलब बालों में जुड़ जाता है लेकिन एक्सटेंशन तो बहुत अरसा चलती है। हाँ। ये 15-20 दिन के बाद खुद ब खुद निकल जाता है। हाँ मतलब वैसे ही रहो लोग ये ना समझे कि ये कोई बाल सफेद चमक रहा है धूप में। बहुत सफेद बाल मेरे सर में बहुत सफेद बाल आज बैठ जाओ। ये देखिए हमने जोड़ा जो है ना वो तकरीबन एक जैसे ही पहना है, थोड़ा सा फर्क है, मेरा ऊंचा है थोड़ा एम्ब्रॉयडरी का डिफरेंस ना। बहुत प्यारा जबरदस्त कलर्स। अच्छा नताशा किस तरह का मेकअप प्रेफर करती है खुद जब करती है? आपको तो पता ही है मैं बहुत कम मेकअप करती हूँ, मैं इस तरह का मेकअप करती हूँ जिसमें लाइनर भी ना हो, काजल भी ना हो, वन शेड मेकअप और मस्कारा कर लिया, इस तरह का मेकअप होता है। हाँ अगर मुझे किसी इवेंट पे जाना है तो मैं हल्की सी सॉकेट लाइन ज़रूर बनाती हूँ और आपको पता मैं खुद ही मेकअप करती हूँ बहुत। आप ही के शो में ऐसा होता है कि मेकअप आर्टिस्ट जो है जितने मेकअप करने वाले हैं वो सारे मेरे मुँह पर मेकअप कर रहे होते हैं। देखो एक तो खास बात ये है ना काशी, अगर मेकअप जिस पे आप कर रहे होते हैं उसकी स्किन अच्छी होती तो मजा आपको अलग ही आता होगा है ना, अब हो जाता है मेकअप। अच्छा आप लोग बताएं कि नताशा अगर ब्राइड है ठीक है इंशाल्लाह होगी इसकी भी शहनाइयां बजेंगी इंशाल्लाह तो नताशा जो है उसके ऊपर कैसे कैसे मेकअप अच्छे लग सकते हैं? नताशा की अगर आप देखें आईज में अच्छा गैप है इसका, अगर इसमें चाहे तो काफी मेकअप आर्टिस्ट के लिए जो अच्छा मेकअप करना जानता है तो वो इसमें बहुत वेरिएशन लेकर आ सकता है। अच्छा मेरे ख्याल में नताशा ने इतने कोई मेकअप करवाया नहीं जिस तरह से खुद करती है ना मेकअप, तो ये एक रीजन है। अदरवाइज बहुत अच्छा मार्जिन है इनकी जो है आईब्रोज को थोड़ा सा लिफ्ट करके उसमें काफी स्पेस आ जाता है। शुरू करें उसके साथ साथ स्टाइलिंग डिपेंड करती है, अभी तो हम इनका कैजुअल स्टाइल करेंगे। अच्छा पहले हम अगर ब्राइडल के लिए करेंगे तो ब्राइडल के लिए इनके फेस के लिए बहुत अच्छा मार्जिन है उसमें। अच्छा तो कर रहे हैं पहला आप कौन सा मेकओवर करेंगे नताशा के? मैं इवनिंग मेकअप करूंगा। इवनिंग मेकअप करेंगे कि नताशा की फर्स्ट करें बहन की शादी है, भाई की शादी है या पक्की दोस्त की शादी है उसके हिसाब से, या खाला की बेटी की शादी है? अभी किसी की हो रही है करीब में शादी? नहीं अभी फिलहाल तो नहीं हो रही, अब ईद के बाद एक दो शादियां हैं मेरी फैमिली। हाँ, तो हम तैयारी उसी की तो कर रहे हैं ईद के बाद, अब तो रमजान में कोई एक डेढ़ हफ्ता ही रह गया। आइए जी शुरू करते हैं। हाँ आपके स्टाफ को बुला लें हम। हाँ, बुला ले। आ जाओ भाई लड़कियों, काशी की सारी लड़कियों आ जाओ तो। हाँ अच्छा अनम तुम भी करोगी ना मेकअप? हाँ, है ना। हम सैरेश को भी बुला लेते लेकिन फिर वन बाय वन करेंगे ना मेकअप। हाँ सैरिश इतनी खूबसूरत प्यारी सी लड़की, तुम किधर हो सैरिश? आप उनको ड्रामों में भी देखते हैं और काशीस के बहुत सारे
शूट्स भी सैरिश ने किए हैं और एक बहुत प्यारा चेहरा है सैरिश का, ही देख सकते हैं आप, नाम लिखो। बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सैरिश की शक्ल किसी से मिलती है? किससे मिलती है, सोचो सोचो जरा, क्या कहते हैं सब लोग, क्या कहते हैं इसे, वैसे तो मैं अपनी मम्मा से मिलती हूँ, मगर हाँ ये काशी हमेशा मुझे बोलते निदा यासिर से मिलती नहीं, 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 बहुत कमेंट्स देते हैं लोग बहुत ना निदा यासिर। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम्हारी शक्ल इशिता से मिलती है। अच्छा, आई थिंक आंखें इशिता से मिलती है, क्या मैं सही ढूंढ के लाई हूँ ना, है ना, कहता है कोई इशिता से मिलती है। मुझे जावेद शेख सर ने कहा था कि मैं इशिता से मिलती हूँ। प्लीज आओ बैठो, इस यहाँ पे बैठा दे। अच्छा, यहाँ पे बैठो। पहले हम नताशा का मेकओवर करेंगे, फिर इशिता का। देखो जरा सैरिश, आज मैंने पता है रात को क्या किया, मैंने कहा जरा मेरी नींद पक्की हो जाएगी तो मैंने अपनी सास से कहा सुना आपके पास कोई नींद की गोली है, अब उनके पास तो कोई पता नहीं कितनी एमजी की थी, मैंने देखा ही नहीं, उन्होंने नींद की गोली मुझे दे दी और मैंने नींद की गोली खा ली रात में। उसके बाद आधी रात को मेरे तीनों बच्चे और मियाँ आ गए लाइट खोल के, उठो उठो उठो, नींद की गोली खा के सोई हूँ, तुमने बोले मुझे उठा दी। वो मैंने देखा था स्टार्ट में, हाँ बड़ी नींद में, तो वो आज सॉरी मैं थोड़ी नींद में हूँ, तो मैं दिन को रात और रात को दिन कहूँगी, तो माइंड ना कीजिएगा जरा। जी काशिफ, आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं? आप सबसे पहले इनकी ना आई से शुरू कर रहा हूँ मैं इसको, आईब्रोज में हल्का सा मैंने इनकी जो ना शेड लगाया। अच्छा, आईब्रोज पे शेड कौन सा कलर का लगाया वो हम देख सकते हैं? लाइट ब्राउन। दिखा सकते हो? अच्छा, ये वो है जो आईलाइनर होता है, आईलाइनर ट्रायलोन का या एक्वा, ट्रायलोन एक्वा का। हाँ, ये ब्राउन कलर का लाइनर है जो इसमें भी शेड्स होते हैं, 3 से 4 शेड्स होते हैं इसमें, ये थोड़ा सा लाइटर है, डार्कर है, शिमरी भी होता है। अच्छा, ये वाला थोड़ा गीला करके आपने लगाया है, इसको लगाने से फायदा क्या है, ये फैलता नहीं है क्या? नहीं, अगर बहुत आप इसको पूरा लगा लो, लगाने के बाद बैठ करके आप लगाते हो, ड्राई हो तो उसके बाद नहीं फैलता ये। अच्छा, आपको स्वेटिंग भी हो रही होगी तो भी नहीं फैलेगा। तो काशिफ, ऐसे तो बहुत सारे आपके आईब्रो के शेड्स और वो सब बहुत आए हुए, इसको लगाने का क्या डिफरेंस है? ये प्रोफेशनल है, वैसे तो आप देखेंगे पेंसिल्स भी लोग यूज कर रहे होते हैं जी। लेकिन इसका ये होता है प्रोफेशनल, आप इसको एंगल ब्रश से आप लगाते हो। अच्छा, बहुत अच्छा आर्ट, अपनी मर्जी का आप शेप बना सकते हो। पेंसिल जो है उसमें वैक्स ज्यादा होता है, तो कहीं जम जाता है, जम जाता है फिर वो ब्लेंडिंग सही तरह से नहीं होती। ठीक है, यानी कि आपने सबसे पहले नताशा की आईब्रोज को थोड़ा सा आपने ऊपर उठाया है और नेचुरल सही रखा है, हाँ, ताकि आपको अच्छी जगह मिले। ऑलरेडी जो है नताशा की आईब्रोज ना ठीक है, काफी ठीक है। हाँ, अगर मैं बहुत ज्यादा कर दूंगा तो बहुत ड्रामेटिक लगेगी। क्या राज है तुम्हारी थिक आईब्रोज का? ऐसी है बचपन से। अच्छा, मतलब होता है ना, मेरी अम्मी की भी ऐसी है। अच्छा, अच्छा। तो शायद मेरी आईब्रोज मेरी अम्मी पे हैं, तो अम्मी की भी चौड़ी है काफी, और उन्होंने शुरू में जब वो आईब्रोज स्कूल के जमाने में नहीं, बड़ा शौक होता था मैट्रिक शैट्रिक में के आप आईब्रोज बनवाए जाके अम्मी के पीछे, अम्मी ने तब से मुझे रोका आईब्रोज नहीं बनवानी। अच्छा, अब मेरे पे ऐसा वक्त आ गया कि मैं आईब्रोज बनवाती ही नहीं, ऐसा रोका। अच्छा है ना, भाषण में एक हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे, यहाँ आपको आज काशिफ और अनम का मेकअप भी नजर आएगा जो ये लाइव करेंगे, खूबसूरत मेकअप, और साथ साथ इनकी और पूरी कलेक्शन है, ब्लैक कलर में कलेक्शन है, ब्लैक पेपलम्स हैं, शरारे हैं, गरारे हैं और साड़ियां हैं, तो आपको ब्लैक कलर में इतनी सारी कलेक्शंस एक डिजाइनर की कभी नजर नहीं आए होंगे जो आज आप देखने वाले हैं, तैयार हुई हुई खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए चिल मिलाते हुए छन छनाते हुए मॉर्निंग शो में। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और जनाब आज हमारे पास बहुत ही झिल मिलाता हुआ शो और छन छनाता हुआ शो है, सुबह सुबह आप देख पाएंगे ताकि आप अपनी इवनिंग मेकअप की तैयारी परफेक्ट कर सके, जो ईद के बाद शादियां हैं या ईद के बाद आपने जो शादियों के कपड़े बनवाने हैं उनके बारे में आपको आइडिया मिल सके कि आप हर चीज अंडर वन रूफ करा सकते हैं। काशी से काशिफ और अनम हमारे साथ हैं और यहाँ लाइव मेकअप हो रहा है हमारी खूबसूरत सी डॉली नताशा का, और हमारे साथ मेरे दिमाग में शीता ही आ जा रहा है सैरिश का, और इन माशाल्लाह 5-10 मिनट में मुझे लगता है ये लोग दुल्हन तैयार कर देते हैं। हाँ, तो मशीन की तरह हाथ चल रहा था। अचानक से निदा ही, निदा ने कहा रुक जाओ क्या कर रहे हो, लाइव दिखाना है।
अच्छा जी, जब रेडी होती हाँ रेडी होती मैं कहती अच्छा आप क्या करेंगे, तो देखती तो पूरे मूव तैयार पूरा मेकअप हुआ देखिए माशाल्लाह।